कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने अब अगले पड़ाव के लिए अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली, लेकिन दक्षिण राज्य को गवा बैठी। ऐसे में बीजेपी के लिए अगला टारगेट 2024 के लोकसभा चुनाव है और उसी में वो जुट गई है। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी की अगली रणनीति क्या हो सकती है? क्या आने वाले चुनावों में वोटिंग पैटर्न बीजेपी की किस्मत चेंज कर पाएगा? और 2023 के बाद क्या 2024 में मोदी मित्र का फॉर्मूला और मुस्लिम कार्ड मॉडल एक साथ कैसे और कितना कारगर होगा? क्या लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के भरोसे जीत पाएगी? सवाल तो कई हैं, जवाब भी हम इसी रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां बीजेपी तैयारी कर रही है, तो वहीं कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है। निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने धुआंधार प्रचार किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन कुछ वोट बैंक हैं जहां बीजेपी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, जैसे कि मुस्लिम मतदाता। यूपी और कर्नाटक, इन दोनों ही राज्यों में मुस्लिम मतदाता की संख्या अच्छी खासी है, जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ने और बनाने में काफी ताकत रखती है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न दोनों ही राज्यों में एक जैसा रहा है या फिर अलग अलग दिखा है, ये सब कुछ जानेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को देखें तो मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग किया और इसी का नतीजा रहा कि कर्नाटक में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पिछली विधानसभा में 7 से बढ़कर 9 हो गया। ये सभी मुस्लिम विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं और वहीं जेडीएस ने 23 मुस्लिम को टिकट दिए थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। कांग्रेस ने 15 मुस्लिमों को उतारा था, जिनमें से 9 विधानसभा पहुंचे और 6 उम्मीदवारों को हार मिली, जिनमें एक बुम्बई के खिलाफ हारे हैं। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम समुदाय वोटिंग पैटर्न में दिलचस्प बदलाव दिखा। तो क्या सवाल ये भी है कि पीएम मोदी को 2024 के बारे में चिंतित होना चाहिए? यह सच है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। विपक्ष ने अपनी पेसीएम हो, चाहे 40% कमीशन सरकार हो या फिर अन्य अभियानों के साथ सफलतापूर्वक बुम्बई सरकार के खिलाफ एक अविश्वास का माहौल बना दिया, जो कथित कुशासन के आसपास केंद्रित था। लोकनीति सीएसडीएस के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण से पता चला कि लोग जब मतदान करने गए तो उस समय 7 में से एक दिमाग में बुम्बई सरकार थी, 5 में से एक मतदाताओं के मन में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के काम थे। बुम्बई सरकार के प्रदर्शन में 42% मतदाता कुछ हद तक असंतुष्ट और पूरी तरीके से असंतुष्ट भी पाए गए थे। केंद्र सरकार के मामले में ये 41% थी, लेकिन अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा संगठन से जुड़े देश भर के कार्यकर्ताओं के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पकड़ कैसे बनाई जाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। मुस्लिम के बीच पैठ बनाने के लिए मोदी मित्र पर बीजेपी को बहुत भरोसा है। 2024 का चुनावी किला फतह करने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। देश की 14% मुस्लिम आबादी को अब तक विपक्षी पार्टियों का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी ने इसमें भी सेंध लगाने के लिए अनूठी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी 65 सीटें तलाश ली हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है। वहां मोदी मित्र के जरिए बीजेपी हर मुसलमान के घर तक मोदी सरकार की नीतियों का संदेश पहुंचा रही है और पकड़ बनाने वाली है। मोदी मित्र में बीजेपी के नेता की जगह मुस्लिम समुदाय के वो प्रभावशाली नेता शामिल होंगे जिनकी समाज पर पकड़ होगी और जो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होंगे। इसमें मुस्लिम समाज के अलावा अन्य वर्गों के लोग भी हो सकते हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने देश भर में इस मेगा आउटरीच प्रयास को करने के लिए 3,25,000 मोदी मित्रों की एक टीम तैयार की है। अगले साल होने वाले सभी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले इन लोगों को अलग अलग टीमों में विभाजित किया जाएगा और अल्पसंख्यकों के प्रति जागरूकता के हिस्से के रूप में पूरे देश में फैलाया जाएगा।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को उनके लिए किए गए कामों से अवगत कराने के लिए टीमें कई मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगी। साथ ही इस पहल के हिस्से के रूप में विभिन्न संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग एक साल तक एक राष्ट्रवादी अभियान चलाया जाएगा। साल भर के अंत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक मेगा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाने के अभियान की शुरुआत जिन्होंने की वो हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। लेकिन जमाल सिद्दीकी जानते हैं कि बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों के बीच मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीतना एक चुनौती भरा काम है। वो कहते हैं कि बीजेपी के प्रति मुसलमानों में नफरत विरोधी पार्टियों की देन है। जमाल सिद्दीकी का कहना है कि बीजेपी को हमने बनाया है लेकिन दूसरी पार्टियों ने हमें भटकाया है, दूसरी पार्टियों ने हमें गुमराह किया है, इसलिए बीजेपी ही हमारी पार्टी है। हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। ये उस वक्त से बननी शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सर्व समाज को जोड़ो और सबको गले लगाओ। अब यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का दावा है कि उसने 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिसमें से 45 प्रत्याशियों को जीत मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कई लोगों ने चुनाव जीता है। हम पसमांदा मुस्लिम के बीच जाकर तमाम काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का उनको फायदा मिला है। बीजेपी काफी दिनों से मुस्लिम समाज में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब 2024 के पहले कम से कम 10% मुस्लिम वोट को बीजेपी से जोड़ने की तैयारी भी हो रही है। इसके लिए पसमांदा के साथ केंद्रीय योजनाओं का भी लाभ लेने वाले मुस्लिम समाज के लोगों, व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों पर पार्टी फोकस कर रही है। कर्नाटक में एक ऐसी पार्टी को हार मिली है जो पूरी तरीके से ब्रांड मोदी पर निर्भर थी और ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रांड मोदी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा। मोदी मैजिक का असर भी दक्षिण भारत में कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा है। साथ ही विधानसभा चुनाव ज्यादातर लोकल मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं न कि नेशनल मुद्दों पर। जब से मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली है तब से लोकसभा चुनावों का पैटर्न जो है विधानसभा चुनावों की वोटिंग पैटर्न से अलग हो गया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।